गजट नोटिफिकेशन एक सड़क का, टोल वसूली दो सड़कों की, प्रशासकीय स्वीकृति एक सड़क की, कंसेशनरी अनुबंध दो सड़कों का। चार जिलों के कलेक्टरों ने संचालित भी कर डाली संदिग्ध भू अर्जन प्रक्रिया। विश्व की सबसे बड़ी और लंबी बीओटी प्रोजेक्ट जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में लेबर नयगांव फोर लेन रोड प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तावित थी, उसे क्रियान्वयन एजेंसी एमपीआरडीसी ने गजट नोटिफिकेशन का उल्लंघन कर दो टुकड़ों में विभाजित कर दो सड़कों में बनवा डाला। एमपीआरडीसी के अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रस्तावित लेबर नयगांव फोर लेन प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन अधिसूचना द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति क्रियान्वयन एजेंसी एमपीआरडीसी को जारी की थी और अधिसूचना की शर्तों के अनुरूप ही लेबर नयगांव फोर लेन सड़क बनाने हेतु अधिकृत भी किया था, लेकिन एमपीआरडीसी ने स्वयंभू प्रक्रियाएं संचालित कर डाली। गजट नोटिफिकेशन एक ही सड़क लेबर नयगांव सड़क के लिए किया गया था, लेकिन एमपीआरडीसी ने कूट रचना से विभाजन कर दो अलग अलग सड़कों में विभाजित कर कंसेशनरी अनुबंध कर डाला, एक लेबर जावरा सड़क तो दूसरी जावरा नयगांव सड़क। यही नहीं, दो कंसेशनरी अनुबंध के अलावा दोनों सड़कों के तकनीकी वित्तीय और प्रीमियम वसूली के मापदंडों को अलग अलग लागू भी कर डाला। गजट नोटिफिकेशन एक सड़क का और टोल वसूली दो सड़कों के होने से गजट नोटिफिकेशन असंवैधानिक और अवैध कंसेशनरी अनुबंधों को किए जाने की अनियमितताओं का पर्दाफाश हो गया है। मध्य प्रदेश की लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जांच एजेंसी और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ गजट नोटिफिकेशन प्रक्रिया के पश्चात की गई धोखाधड़ी, 420 कूट रचना और अनियमितताओं के प्रमाणों को अनदेखी कर अनियमितताओं को नियमितताओं के दायरे में क्यों रखा हुआ है? क्या मध्य प्रदेश की एमपीआरडीसी का चेयरमैन मध्य प्रदेश का नेतृत्व करता मुखिया मुख्यमंत्री लोकायुक्त ईओडब्ल्यू तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को अपने पैरों तले रोंद नहीं रहा है? चार जिलों के कलेक्टरों ने संचालित कर डाली संदिग्ध भू अर्जन प्रक्रियाएं। लेबर नयगांव फोर लेन प्रोजेक्ट में जहां धार, रतलाम, मंदसौर और नीमच सहित चार जिलों के कलेक्टरों ने नोटिफिकेशन प्रक्रिया का उल्लंघन कर संदिग्ध भू अर्जन प्रक्रियाओं को अंजाम भी दे डाला। केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानूनों का उल्लंघन कर असंवैधानिक भू अर्जन का मूल्यांकन किया गया। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लेबर जावरा लेबर नयगांव फोर लेन सड़क के लिए चार जिलों में भू अर्जन प्रक्रियाओं की ईओडब्ल्यू जांच को गति प्रदान करने का साहस प्रस्तुत करेंगे? चूंकि गजट नोटिफिकेशन का उल्लंघन हुआ है तो आज दिनांक को भू अर्जन कानून के प्रावधानों को लागू कर मुआवजा राशि का संशोधित वितरण करना प्रासंगिक है? क्या चार जिलों के कलेक्टरों और दो संभागों के समायुक्त पर गाज गिरेगी? आज लेबर नयगांव फोर लेन प्रोजेक्ट को दो टुकड़ों में बांटा गया तो क्या ये 420 नहीं है?